गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड वन में आज आप लोग का रिवीजन होगा। रिवीजन में आ से लेकर री की मात्रा तक का रिवीजन होगा। चलिए आइए देखिए क्या है। सबसे पहले तो शब्दों में आ की मात्रा लगाएं। आप लोग को बता दूं, आ की मात्रा जो है वो वर्ण के बाद लगता है। आप लोग को ये मात्रा वाला तालिका में भी, व्याकरण वाले बुक में भी आप लोग को अच्छे से समझाएं कि तालिका दिया हुआ है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर अच्छे से समझ लेंगे तो। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बहुत इजी है पढ़ाई। इसमें देखिए यहाँ पे कुछ कुछ शब्द दिया हुआ है और बीच में स्पेस छूटा हुआ है। ये जो स्पेस छूटा हुआ है ना, इसमें हम लोग आ की मात्रा लगा के एक नए शब्द बनाएंगे। आइए देखते हैं क्या बनता है। देखिए सौ और तौल है, सौ सौ के बाद जगह छूटा हुआ है, तो इसमें हम लोग आ की मात्रा जब लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, सात बन गया। उसी तरह से त ल व के बाद स्पेस छूटा हुआ है, आगे इसमें आ की मात्रा लगाते हैं, क्या बन गया, तलवार। उसी तरह से र ज लिखा हुआ, अब इसमें दोनों में आ की मात्रा लगाएंगे। र के बाद भी आ की मात्रा लगेगा और ज के बाद भी आ की मात्रा लगेगा। नया शब्द क्या बन गया, राजा बन गया। अब आइए ब ज र, बजर कोई शब्द नहीं है, तो इसमें हम लोग ज के बाद जो स्पेस छूटा हुआ है इसमें आ की मात्रा लगाते हैं। देखिए नया शब्द क्या बन गया, ब जा र। ठीक है, तो ये आप लोग समझ जाइएगा, बुक में कुछ दिया हुआ है, अपने मन से भी बहुत कुछ बना सकते हैं। अब आइए इसमें है दूसरे में चित्रों की सहायता से शब्दों को पूरा करें। शब्द है लेकिन उसमें पिक्चर को देख के कुछ शब्द बना हुआ है, बस उसमें मात्रा छूटा हुआ है। अगर हम लोग इसमें मात्रा लगा देते हैं तो चित्र के हिसाब से शब्द बन जाएगा। आइए देखिए क्या है, इसमें घर है और जबकि यहाँ पे घड़ी का चित्र है, तो घड़ी में र में दीर्घीकार की मात्रा लगाएंगे। दीर्घीकार की मात्रा र वर्ण के बाद लगेगा, कौन सा शब्द बन गया, घड़ी बन गया। उसी तरह से यहाँ दीपक है, दीपक का चित्र है लेकिन दपक लिखा हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या बनाएंगे, दीर्घीकार की मात्रा द के बाद देंगे, दीपक बन गया। अच्छा सा शब्द चित्र के हिसाब से मैच करता हुआ शब्द बन गया। अब देखिए ग्लास है, गिलास है और ग्लास लिखा हुआ है, तो ग में हम लोग हर्षय की मात्रा लगाएंगे। हर्षय की मात्रा जब भी लगता है वर्ण के पहले लगता है, तो ग वर्ण के पहले हम लोग हर्षय की मात्रा लगा दिए, तो कौन सा अच्छा सा शब्द बन गया, गिलास बन गया, जो कि चित्र से मैच करता हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सूरज का चित्र है और सरज लिखा हुआ है, तो हम लोग जब भी दीर्घकार की मात्रा लगता है वर्ण के नीचे लगता है, तो सूरज में तो दीर्घकार की मात्रा होता है, तो हम लोग दीर्घकार की मात्रा कहाँ लगाएंगे, स वर्ण के नीचे लगेगा, सूरज बन गया। देखिए अच्छा सा शब्द मैच करता हुआ, यहाँ चूहा का पिक्चर दिया हुआ है और चहा लिखा हुआ है, चूहा में च वर्ण के नीचे दीर्घकार की मात्रा लगेगा, ऐसे करके रहता है, नीचे की तरफ मुड़ा हुआ रहता है। देखिए दीर्घकार की मात्रा चूहा बन गया, कितना अच्छा से शब्द बन गया, चित्र के हिसाब से मैच करता हुआ शब्द बन गया। अब आइए इसमें देखिए हर्षव एवं दीर्घव की मात्रा लगाना है। यहाँ कुछ शब्द दिया हुआ है बट शब्द अधूरा है, कोई मीनिंग नहीं है। अगर इसमें हम हर्षव या दीर्घव कार की मात्रा लगा देंगे तो सुटेबल शब्द अच्छा सा बन जाएगा, जिसका कि मतलब हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। आइए देखिए क्या है, पल 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 फॉर्म में अगर हम लोग हर्षव की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, पुल बन जाएगा। उसी तरह से स ई लिखा हुआ है, स ई कोई शब्द नहीं है, इसमें हम लोग हर्षव की मात्रा लगा देंगे तो सुई बन जाएगा। सरज लिखा हुआ है, सरज कोई शब्द नहीं है, अगर हम लोग स में दीर्घव की मात्रा लगा देंगे तो सूरज बन जाएगा। इसी तरह से त रा जू, ज में दीर्घव की मात्रा लग जाएगा, फल दिया हुआ, अगर इसमें दीर्घव की मात्रा लग जाएगा तो कौन सा शब्द बन गया, फूल। इसी तरह से री की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाना है, कपा लिखा हुआ है तो कपा कोई शब्द थोड़े हुआ, री की मात्रा कहाँ लगता है, पढ़े हैं आप लोग वर्ण के नीचे लगता है, तो आइए क वर्ण के नीचे हम लोग री की मात्रा लगाते हैं। री की मात्रा सी के शेप में होता है, देखिए क्या शब्द बन गया, कृपा। आकृति लिखा हुआ, आकृति कोई शब्द नहीं है, अगर क वर्ण के नीचे हम लोग री की मात्रा लगा देंगे तो एक नया शब्द बन जाएगा, आकृति, बनावट, संरचना, है ना। वक्ष लिखा हुआ है, ये कोई सार्थक शब्द नहीं है, अगर हम लोग व में री की मात्रा लगा देंगे तो वृक्ष बन जाएगा। नप लिखा हुआ है, न में री की मात्रा लगेगा तो नृप बन जाएगा। कसी लिखा हुआ, कसी तो कोई शब्द नहीं है,
क में हम लोग ऋ की मात्रा लगा देते हैं, कृषि बन गया। बहुत अच्छा है, पीडीएफ में डाला हुआ है, आप लोग रिवीजन के लिए रिवीजन कॉपी में या उसी फेयर कॉपी में उतारिएगा, रिवीजन ऊपर में जरूर से लिख दीजिएगा ताकि समझ में आए कि चैप्टर का नहीं है रिवीजन का है। चैप्टर में रिवीजन कहाँ से है, अ से री तक की मात्रा का रिवीजन आप लोग का हुआ, पीडीएफ में डाला हुआ, खूब सुंदर से बनाएंगे, समझ के बनाएंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।